आपको पढ़ाएंगे सेकंड की हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर भाषा। दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए। ये है, ये लड़का अपनी मम्मी से बात कर रहा है और ये इसमें इस चित्र में दे रखा है। ये दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और इस चित्र में अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं और इस चित्र में यह लड़का पत्र लिख रहा है। ऊपर दिए गए चित्रों से पता चलता है कि हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर तथा लिखकर आपस में विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करते हैं, यही भाषा है। अतः एक दूसरे के विचारों तथा भावों को समझने का साधन भाषा है। हम एक और बार बोलेंगे, एक दूसरे के विचारों तथा भावों को समझने का साधन भाषा है। अब है, भाषा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भाषा के रूप, ऊपर दिए गए चित्रों के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचारों को समझते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। ये दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ये दो बच्चे आपस में फोन पर बातें कर रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में सभी लोग बोलकर तथा सुनकर भाषा का आदान प्रदान कर रहे हैं। अतः भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर तथा सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाए मौखिक रूप कहलाता है। अब है दूसरा, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात को या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को समझा रही हैं। लड़की पत्र लिख रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दिए गए चित्रों में अध्यापिका और लड़की अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, जबकि दादाजी अखबार को पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। अतः भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को या अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं लिखित रूप कहलाता है। यह भी जानिए, इस प्रकार हम बोलते हैं उसी प्रकार पशु पक्षी भी अपने मन की बात एक दूसरे को बोलकर समझाते हैं। जैसे पशु पक्षियों की आवाजें एवं बोलियां, गाय रंभाना, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, हाथी चिंघाड़ना, घोड़ा हिन हिनाना, कुत्ता भौंकना, कौआ काँव काँव, चिड़िया चहचहाना, शेर दहाड़ना, गधा रेंकना, कबूतर कुटरगू, बंदर खों खों, बकरी मिमियाना। भारत की राजभाषा हिंदी है, यह भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। मतलब कि भाषा हिंदी भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अब आ गई आपकी एक्सरसाइज, क्या सीखा। मौखिक प्रश्न, भाषा क्या है, हमने अभी आपको बताया था। एक दूसरे के विचारों तथा भावों को समझने का साधन भाषा है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर तथा सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाए मौखिक रूप कहलाता है। अब है, लिखित भाषा किसे कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को या अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं लिखित रूप कहलाता है। अब है, भारत की राजभाषा क्या है। भारत की राजभाषा हिंदी है। अब है, अब ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं और याद करना है। अब है लिखने का समय।
सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नीचे दिए गए वाक्यों में भाषा का मौखिक रूप क्या है? नेहा पत्र लिखती है, राधिका गाना गाती है, क्रस पुस्तक पढ़ता है, एम्पायर आउट का इशारा देता है। तो इसमें आएगा राधिका गाना गाती है। हम यहाँ पर टिक कर देंगे। अब है पशु तथा पक्षी अपनी बात समझाते हैं इशारों से, लिखकर, बोलकर, पढ़कर, बोलकर, तब बोलकर, फिर टिक कर देंगे। भाषा का लिखित रूप क्या है? कविता सुनाना, भाषण देना, कहानी सुनाना, पत्र लिखना, पत्र लिखना। अब है हाथी की बोली है चिंगाड़ना, दहाड़ना, हिनहिनाना, रभाना, चिंगाड़ना। अब है के बिना कुछ भी संभव नहीं है। किसके बिना कुछ भी संभव नहीं है? भाषा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे भाषा। अब है भाषा में हम बोलकर अपने विचार दूसरों को समझाते हैं। तो यहाँ पर आएगा मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। अब है लिखित भाषा में हम डैश अपनी बात समझाते हैं, लिखकर। तो हम यहाँ लिख देंगे लिखकर। अब है शेर डैश अपनी बात समझाता है, यहाँ पर आएगा दहाड़कर, दहाड़कर। अब है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, हम यहाँ लिख देंगे हिंदी। अब है सही कथन के लिए सा तथा गलत कथन के लिए ग लिखिए। भाषा के तीन रूप होते हैं गलत, तो हम यहाँ लिख देंगे ग। अब है फोन पर बातें करना भाषा का मौखिक रूप है सही, तो हम लिख देंगे स। अब है दादाजी का अखबार पढ़ना भाषा का लिखित रूप है सही है, स लिख देंगे हम। अब है कबूतर काँव काँव करता है गलत, तो हम लिख देंगे ग। भारत की राजभाषा हिंदी है, ये है सही, तो हम लिख देंगे स। ये आपको याद करना है। नीचे दिए गए चित्रों में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है? अब ये है, ये दो बच्चे हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। तो हम यहाँ लिख देंगे मौखिक रूप। अब ये दो रह गए हैं, ये आपको अपने आप करना है, हमने आपको चैप्टर पढ़ा दिया। अब है खेल, खेल में पांच पशुओं व पांच पक्षियों के नाम लिखकर उनकी बोलियां लिखिए। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ये, अब तो आपके समझ में आ गया होगा, इसलिए ये आपको अपने आप करना है। ओके, निम्नलिखित जंतुओं को उनकी बोलियों से मिलाइए। ये आपको मिलाना है, मैं एक करके दिखा देती हूँ। चहचहाना, चहचहाना किसका होता है? चिड़िया का। तो हम ये रहा चिड़िया, हम यहाँ पर इसको इससे मिला देंगे। ओके, ये आपको अपने आप करना है।